आदरणीय सभापति जी, ये सदन एक प्रकार से राज्यों से जुड़ा हुआ सदन है और इसलिए राज्यों के विकास के कुछ फोकस एरिया उसकी चर्चा इस सदन में करना मैं उचित मानता हूं। और मैं कुछ आग्रह भी साझा करना चाहता हूं। आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम अगली क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में हर राज्यों ने बड़ी प्राथमिकता से साथ अपनी नीतियां बनानी चाहिए, योजनाओं लेकर के आगे आना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा हो, निवेश आकर्षण करने वाली नीतियों में स्पर्धा हो, और वो भी गुड गवर्नेंस के माध्यम से हो, स्पष्ट नीतियों के माध्यम से हो। मैं पक्का मानता हूं कि आज जब विश्व भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तब हर राज्य के लिए अवसर है। और जब ये राज्यों से जुड़ा हुआ सदन है, तो मैं आग्रह करूंगा राज्यों से कि आप आगे आइए और विकास की यात्रा में आप भी उसका फायदा उठाइए। रोजगार सृजन में इस राज्यों के बीच स्पर्धा क्यों न होनी चाहिए। हमारे राज्य की उस नीति के कारण उस राज्य में नौजवानों को इतना रोजगार मिला, तो दूसरा राज्य का है तुम्हारी नीति में मैंने प्लस वन कर दिया तो मुझे ये फायदा मिला। रोजगार के लिए राज्यों के बीच पर स्पर्धा क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये देश के नौजवानों के भाग्य को बदलने में बहुत काम आएगा। आज नॉर्थ ईस्ट में असम में सेमीकंडक्टर पर तेज गति से काम चल रहा है और इससे असम नॉर्थ ईस्ट वहां के नौजवानों को बहुत ही फायदा होने वाला है और साथ साथ देश को भी फायदा होने वाला है और नॉर्थ ईस्ट की धरती, क्योंकि एक राज्य सरकार जब एग्रेसिवली नीतियों को लेकर के आती है तो उसका आदरणीय सभापति जी, यूएन ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया था। ये भारत की अपनी खुद की ताकत है, मिलेट्स हमारे छोटे किसानों की ताकत है। और जहां कम पानी है, जहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं, वहां पर मिलेट्स जो कि एक सुपर फूड है, मैं मानता हूं कि राज्य इसके लिए आगे आए, अपने अपने राज्य के इस सुपर फूड को, मिलेट्स को लेकर के वैश्विक बाजार में जाने की योजना बनाए। उसके कारण दुनिया के हर टेबल पर हिंदुस्तान का मिलेट होगा, डाइनिंग टेबल पर, और हिंदुस्तान के किसान के घर में दुनिया से कमाने का अवसर पैदा हो जाएगा। भारत के किसान के लिए समृद्धि के नए द्वार खुल सकते हैं। मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि आप आइए। आदरणीय सभापति जी, दुनिया के लिए न्यूट्रिशन मार्केट, इसका सॉल्यूशन भी हमारे देश के मिलेट में है। ये सुपर फूड है और जहां पर न्यूट्रिशन की चिंता है वहां पर हमारा मिलेट बहुत बड़ा काम कर सकता है। हम इस आरोग्य की दृष्टि से भी वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए हमारे राज्य आगे आए, अपनी एक पहचान बनाए। आदरणीय सभापति जी, 21वीं सदी में ईज ऑफ लिविंग ये सामान्य मानवीय का हक है और मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार अपने यहाँ के नीति नियम व्यवस्थाएं उस प्रकार से विकसित करें ताकि सामान्य नागरिक को ईज ऑफ लिविंग का अवसर मिले। और इस सदन से राज्यों को अगर वो संदेश जाता है तो देश के लिए उपयोग होगा।